हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी मॉम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि परफेक्टली आप पिज़्ज़ा डो कैसे बनाएं। जब भी आप घर पे पिज़्ज़ा बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको पिज़्ज़ा बेस बाहर से लाना हो। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे कि आप घर में बैठे बैठे पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं। उसके लिए परफेक्ट पिज़्ज़ा डो होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने कुछ इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। ये है 1 कप फुल मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर भी कहते हैं, 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ शुगर, 2 टेबलस्पून ऑफ नॉर्मल ऑयल, यू कैन यूज़ ऑलिव ऑयल ऑल्सो, और मैंने यहाँ पर यीस्ट ली है, कोई भी यीस्ट ले लीजिए जो भी आपको अवेलेबल हो। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है जिसके अंदर मैं ये मैदा डाल रही हूँ। साथ ही साथ एक बोल में आप 1/4 कप ऑफ वाटर ले लें, हल्के गुनगुने पानी में, जो कि 1/4 कप ऑफ वाटर आपने लिया है, उसके अंदर शुगर और यीस्ट को मिला दें और रहने दें जब तक कि यीस्ट फोमी ना हो जाए। मैंने पहले से करके रख रखा था, तो आप ये देख सकते हैं ये मेरी यीस्ट तैयार है। पर उससे पहले मैं सॉल्ट डालकर अच्छे से मैदे में मिक्स कर लूँगी ताकि सॉल्ट जो है वो हर तरफ मिल जाए। और अब मैं धीरे धीरे ये यीस्ट और शुगर का घोल डालूंगी, एकदम से सारा घोल ना डालें। अब दोबारा यीस्ट का मिक्सचर डालेंगे, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक करके डालें, कम कम डालें, एक बार में सारा नहीं डालें। अब बचा हुआ ऑयल डाल लेंगे, अब अच्छे से नीट करें कम से कम 4 से 5 मिनट तक। आप जितना ज़्यादा गूंदेंगे उतना अच्छा मैदा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा और उतना अच्छा ही आपका डो तैयार होगा। यीस्ट को कम से कम 15 मिनट तक पानी में सोख होने दें जब तक कि वो फ्रॉथ ना हो जाए, झाग झाग सा ना आ जाए उसके ऊपर, बबली टाइप या फोमी टाइप ना हो जाए। पाँच से सात मिनट लगाएं अच्छे से गूंदें डो को। तो लीजिए, हमारा जो डो है वो तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको टक करेंगे, मतलब ऐसे की सारी साइड से इसको ऐसे बंद करेंगे ताकि जब इसका साइज डबल हो तो हमें पता चल जाए। ये देखिए, ऐसे टक कर दिया हमने। और अब हम इसको सेंटर में रख देंगे और ऑयल से ब्रश कर देंगे सारी तरफ से, अच्छे से कर दें, और थोड़ा सा बोल के साइड में भी लगा दें ताकि जब ये अपना साइज डबल करे तो ज़्यादा चिपके नहीं। तो लीजिए, अब हमने ढक के रख दिया है क्लिंग फिल्म से अपने डो को। अब वेट करते हैं, मैं 2 से 2.5 घंटे तक वेट करूँगी जब तक ये डबल ना हो जाए साइज़ में। अगर आपको जल्दी करना है तो आप इसको कम से कम आधा घंटा धूप में रख दें, तब भी ये जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। नहीं तो आप ब्लैंकेट में भी रख सकते हैं, नहीं तो हल्का सा माइक्रोवेव या ओवन गरम करिए, उसके बाद आप ये पूरा का पूरा जो है उसके अंदर डाल दें, तब भी ये जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। 2 to 3 hours मैंने दोबारा नीट कर लिया है डो को अच्छे से। 5 मिनट्स के लिए दोबारा से करेंगे, जब ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा उसके बाद अच्छे से पंच करें और दोबारा से नीट करें फॉर 5 मिनट्स। अब बेल लेते हैं डो को ताकि पिज़्ज़ा बेस बन पाए। आप चाहे तो 2 भी बना सकते हैं और बेक करने के बाद 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये देखिए, आपका 10 इंच का पैन पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा बेस तैयार है। आप इस पर चीज़ वेजीज डालकर बढ़िया सा पिज़्ज़ा घर पर भी बना सकते हैं, चाहे तो वेजिटेबल पिज़्ज़ा हो चाहे चिकन पिज़्ज़ा हो, और ऐसे फोक कर देना है ताकि ये ज़्यादा फूले नहीं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, तो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, ऑल्सो कमेंट करें कि आपने कौन सा पिज़्ज़ा बनाया घर पर। सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही ताकि हम और आप करेक्ट कर पाएँ। तो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।